हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का फ्लाई एयर फैमिली में। दोस्तों, आज है वेडनेसडे यानी बुधवार, और जैसा कि आप जानते हैं एज ए रेगुलर व्यूअर हफ्ते में दो बार मैं वैकेंसी का अपडेट लेकर आता हूं। अपडेट इन द सेंस वैकेंसी नई हो, पुरानी हो या नहीं हो। दोस्तों, इस अपडेट का सबसे बड़ा पर्पज ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि आपसे कोई भी वैकेंसी भूल न जाए, कोई भी वैकेंसी आपसे छूट न जाए। तो दोस्तों, आप चाहे ग्राउंड स्टाफ के लिए ढूंढ रहे हों, इंजीनियरिंग के लिए ढूंढ रहे हों, कैबिन क्रू के लिए ढूंढ रहे हों, यानी कि सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस, रैंप, इंजीनियरिंग, इच एंड एवरीथिंग, कहीं भी अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज के इस अपडेट में सबके बारे में डिटेल है, सबके बारे में वैकेंसी है। यहां मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से क्या करना है, लेकिन जितने भी वीडियोज हैं, जितने भी आपको अप्लाई लिंक हैं, सबका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। कोई इशू, कोई परेशानी हो तो वीडियो के कमेंट में कमेंट करें, या फिर मुझसे जुड़े मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया, मेरे टेलीग्राम चैनल फ्लाई इंडिया, या फिर मेरे फेसबुक पेज फ्लाई एयर से। सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है काफी इंपॉर्टेंट, जिसके रिगार्डिंग हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इट्स जस्ट एंड रिमाइंडर टू यू, दोस्तों इंडिगो में बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी हैं, और सबसे बड़ी बात, ये जो वैकेंसीज हैं ये फ्रेशर्स के लिए हैं। दोस्तों, अगर हम फ्रेशर्स की वैकेंसी और एक्सपीरियंस की वैकेंसी को साथ में जोड़े, लगभग 18 से 20 स्टेशंस के लिए यानी एयरपोर्ट के लिए ये वैकेंसी आ रखी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको चाहिए मिनिमम ग्रेजुएट, और एज की जो क्राइटेरिया है फ्रेशर्स के लिए वो 18 टू 27 इयर्स है। दोस्तों, वीडियो के स्क्रीन पर जो आप अभी देख पा रहे हैं ये वो सारे डिटेल्स हैं जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि यस, इंडिगो में अभी भी वैकेंसी है। अप्लाई कैसे करना है, ऊपर जो आई बटन में वीडियो देख पा रहे हैं उस पर क्लिक करके, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप अप्लाई करके दिखा रखा हूं कि किस तरह से अप्लाई करना है। दोस्तों, अगली जो वैकेंसी है वो स्टार एयर में, और इस वैकेंसी को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों मेरे कुछ जानकार, मेरे कुछ फ्रेंड्स स्टार एयर में हैं और उनके अकॉर्डिंग वो वैकेंसी अभी भी फिलअप नहीं हुई है। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे एग्जीक्यूटिव रिजर्वेशन, जो कि आपको स्टार एयर की वैकेंसी है, आप इसे जाकर जरूर अप्लाई करें। इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है ये आती है, एज बार तो है ही 18+, यानी 18 to 27, 28 आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बात ये आती है कि इंडिगो की तरह, यानी कि इंडिगो में जिस तरह से मैंडेटरी होता है कि आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, स्टार एयर में ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट भी हैं, आप फाइनल ईयर में भी हैं, आप परज्यूइंग है, आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले प्लीज अप्लाई। ऊपर आई बटन में जो वीडियो देख पा रहे हैं उसमें मैंने बता रखा है कि स्टार एयर में कैसे अप्लाई करते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। दोस्तों, अगली जो वैकेंसीज हैं, ढेर सारी वैकेंसी का पिटारा भरा पड़ा है, और दोस्तों हमेशा बताता हूं, कतर एयरवेज में अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब ढूंढ रहे हैं, दोस्तों कतर एयरवेज की वैकेंसी को, कतर एयरवेज की साइट को आपको जरूर विजिट करना चाहिए। दोस्तों, अभी जो आप देख पा रहे हैं वो है कतर एयरवेज की साइट, और यहां पे आप खुद देख सकते हैं हर डिपार्टमेंट्स, हर आर्टिकल्स में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ये अलग बात है दोस्तों, ये जो वैकेंसीज हैं, मैक्सिमम ऑफ द वैकेंसीज आर फॉर आउट ऑफ इंडिया, लेकिन दोस्तों अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, तो खुद के पंखों को बांध कर रखने से बात नहीं बनती है। सो फ्रेंड्स, मैंने बता रखा है, ऊपर जो आई बटन में वीडियो देख पा रहे हैं उसमें मैंने बता रखा है कि किस तरह से अप्लाई करना है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों वो है एयर अरेबिया से, और दोस्तों एयर अरेबिया की ये वैकेंसी काफी ही प्यारी है, बहुत बेहतर वैकेंसी है, कैबिन क्रू के लिए है, आप जाकर इसमें अप्लाई जरूर करें। दोस्तों अगली जो वैकेंसी आती है वो है आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए। इंजीनियरिंग में अगर आपने कुछ भी कर रखा है, चाहे एज टेक्नीशियंस, चाहे एज एन एएमई, तो आपको इंडिगो एयरलाइंस, आपको स्टार एयरलाइंस, पर्टिकुलरली इन दो एयरलाइंस की जो साइट्स हैं उनको जरूर खंगालना चाहिए। अभी जो आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डिटेल्स, ये वो सारी वैकेंसी का डिटेल्स है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सारे वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और कोई इशू, कोई परेशानी हो तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या फिर मुझसे जुड़े मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई इशू परेशानी लेट मी नो, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।